आजकल थायराइड बहुत है और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसके लिए क्या खाएं। आज हम बता रहे हैं थायराइड में 10 सुपर फूड जो आप खा सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हो सकता है इन भोजन से आपका थायराइड कंट्रोल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले है कि अगर आप मांसाहारी हैं तो आप मछली और अंडा खा सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड सेलेनियम ये भरपूर होता है। अंडे में आयोडीन और सेलेनियम होता है। दूसरा है अखरोट। अखरोट खाने से आपके शरीर की सूजन दूर होती है। इसमें विटामिन सी, आयरन, विटामिन B6 और मैग्नीज होता है, सेलेनियम होता है, जो थायराइड को ठीक रखने में महत्वपूर्ण चीज़ है। बेरीज जैसे ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, जामुन, शहतूत, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। इनके खाने से आपका शरीर ऑक्सीडेंट जो है वो बाहर निकल जाएंगे। बीन्स और दालें, बीन्स और दाल से इनमें फाइबर भरपूर होता है और प्रोटीन भरपूर होता है। मूंग की दाल इसमें सबसे बेस्ट है और इसको आप पानी में भिगो करके सवेरे अंकुरित होने के बाद भी खाएं तो बहुत अच्छा है। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केल, इनमें विटामिन्स और खनिज पदार्थ बहुत होते हैं। लहसुन, लहसुन अपने भोजन में आप प्रयोग करें, अन्यथा आप ऐसे भी दूध में पका करके 2-3 कलियां डेली पिएं तो आपको थायराइड में काफ़ी आराम मिलेगा। नारियल का तेल, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। नारियल का तेल आप अपने भोजन में प्रयोग कर सकते हैं और जो तेल पी सकते हैं तो उसको 1 चम्मच खाली पेट पी सकते हैं। कद्दू के बीज, कद्दू और कद्दू के बीज दोनों ही खाने से थायराइड आपको लिए ठीक रहेगा, थायराइड कंट्रोल में रहेगा क्योंकि इसमें जिंक होता है और ये थायराइड के जो सीक्रेशन है उसका उत्पादन करता है। आप ओट्स खा सकते हैं। ओट्स खाने से मेटाबॉलिज्म की क्रिया बढ़ती है और इसमें आपको फाइबर भरपूर मिलेगा। आप चिया सीड खा सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड होता है। और अलसी, अलसी में भी ये दो चीज़ फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। थायराइड को ठीक करने के लिए मेन चीज़ है जो हमें चाहिए वो ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेलेनियम, आयोडीन, जिंक और आयरन। इन भोजनों में ये चीज़ें हैं इसलिए सुपर फूड बोला जाता है इनको। वैसे आप और अन्य चीज़ भी खा सकते हैं। जो मोटा करने वाला थायराइड है उसमें आप मूली ले सकते हैं और जो आगे बताऊंगा वो सभी तरह के थायराइड में खा सकते हैं। जैसे गाजर खा सकते हैं, आप लाल मिर्च खा सकते हैं, हरी मिर्च खा सकते हैं, आप मीठे आलू, लेकिन कम आलू से थायराइड बढ़ता है, लेकिन मीठे आलू आप थोड़े खा सकते हैं, और एवोकाडो, नारियल, अनार, सेब, केला, अंगूर ये आप ले सकते हैं, और हरी चाय यानी ग्रीन टी पी सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं। अब आता है कि सवेरे क्या खाएं। सवेरे आप ज़्यादातर जो हमने फल बताए हैं फलों का सेवन करें। आप सवेरे नींबू पानी भी ले सकते हैं और अपने तनाव का मैनेजमेंट करें। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप योगा करें, मेडिटेशन करें और सवेरे घूमने जरूर जाएं। सवेरे घूमने से शुगर और थायराइड वालों को काफ़ी आराम मिलता है। पर्याप्त मात्रा में नींद लें, 6-7 घंटे आप जरूर लें और वो भी रात में ही सोएं। दिन में सोने से आपके थायराइड मोटापा ये अधिक बढ़ सकता है। फल जरूर खाएं।
कोई ना कोई डेली फल खाएं जो इसमें हमने बताया है। आपको अचानक वजन में कमी आए या अधिक होने लगे तो आप अपने डॉक्टर से चिकित्सा जरूर कराएं। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। बने रहें, टेक केयर, फिर मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।